वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ आर लाइफ, ये क्वेश्चन बहुत लोगों के माइंड में आता है, हम लोग बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि लाइफ का पर्पस क्या है, ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ क्या है। इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड वॉट लाइफ इज़ तो हमको उसका पर्पस भी समझ आ जाता है। लेकिन अगर लाइफ समझ नहीं आती, हम पर्पस समझने की कोशिश करते हैं तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। देन कम्स वॉट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन, दूसरा है कैन वी फाइंड आवर सेल्व फ्रॉम मेडिटेशन। तो ये समझना ज़रूरी नहीं है कि लास्ट स्टेज क्या है मेडिटेशन की, ये समझना ज़रूरी है कि मेडिटेशन क्या है। लाइफ को समझना इज़ मेडिटेशन, माइंड को समझना इज़ मेडिटेशन, माइंड को कंट्रोल करना इज़ नॉट मेडिटेशन। क्योंकि जब कोई चीज़ हमको समझ आ जाती है तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो कंट्रोल हो जाती है। और समझ ना आए और हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जैसे कोई मशीन है जिसको आप ऑपरेट कर रहे हैं, मान लो कोई गाड़ी है, वो अगर आपको समझ आ गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, एफर्टलेसली आप गाड़ी चलाओगे। गाड़ी समझ नहीं आई है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो कंट्रोल होने से रहा। कैन वी फाइंड आवरसेल्व्स फ्रॉम मेडिटेशन, अगेन द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड करेक्टली इज व्हाट इज मेडिटेशन। ध्यान से समझेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा, ये भी समझ आ जाएगा मैं कौन हूँ, भगवान के कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइफ के, डेथ के, पुनर्जन्म के, जितने भी आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, सब कुछ समझ आ जाएगा। देन द क्वेश्चन इज, सर पता सब कुछ है पर प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, इस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ। यही गलतफहमी है इस दुनिया में हर इंसान को कि सर मुझे पता सब कुछ है। एक बच्चे के भी पास में आप जाओगे जो 5 साल का है, उसको कुछ बताने की कोशिश करोगे, क्या कहेगा, मेरे को मत बताओ, मेरे को पता है। उसको पता कुछ भी नहीं है, आग के बारे में मुझे मत बताओ, मुझे पता है। फिर जब जलता है तब उसको रियलाइज़ होता है, फिर वो रोता है बैठ करके कि काश मैंने ये नहीं किया होता। तो इस दुनिया में सभी को ये गलतफहमी है कि हमें पता है कि लाइफ क्या है, हमें पता है कि हमें लाइफ से क्या चाहिए, यही प्रॉब्लम है। पता ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पता ना हो तो आप पता कर सकते हो, जिसको पता है वो क्या पता करेगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग इशू कि हमें पता कुछ भी नहीं है और हम कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। पता क्या है हमें, क्या पता है आपको अपने बारे में? मैं आपसे पूछता हूं आप कौन हो, क्या पता है? कुछ भी नहीं, ब्लैंक हो, वही बोलोगे जो सब बोलते हैं, अपना नाम बोल दोगे। आप आपका नाम हो, और अगर आपका नाम बदल दिया तो क्या मर गए? इसका मतलब क्या है, आप आपका नाम नहीं हो। जितनी भी आपकी मेमोरीज जुड़ी है वो आपके नाम से ही तो जुड़ी है। तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगाओ जी कि हमें पता है। आपको वही पता है जो सबको पता है, और जो सबको पता है वो किसी काम का नहीं है। कुछ ऐसा समझो जो किसी को नहीं पता है, जो कोई पता करने की कोशिश भी नहीं करता है, तब कुछ कमाल का हो सकता है। देन कम्स द क्वेश्चन, हाउ टू जज व्हाट इज राइट फॉर अस, सही क्या है हमारे लिए? बड़ा ऑब्वियस है, देखो हमको ये बॉडीज मिली है तो सबसे सही क्या है कि इस बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है, ये सही है, इसमें डाउट क्या है? बॉडी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है? पैसे से होती है, तो पैसा कमाना सही है। आप अपने लिए तो पैसा कमा रहे हो लेकिन उसकी वजह से किसी और का नुकसान हो रहा है तो वो गलत है। ये आ गया एट द लेवल ऑफ योर बॉडी, एट द लेवल ऑफ माइंड। किसी के बारे में कुछ उल्टा सोचोगे, चाहे मुंह पे उसको दिखाओगे, सामने से उसको दिखाओगे कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा बहुत अच्छा सोचता हूँ या सोचती हूँ, लेकिन अंदर से किसी के बारे में कुछ गलत सोचोगे तो ये गलत है। जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर हो तो ये सही है। अगर हम सही से समझ करके कोई भी काम करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी को पहले समझो, चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, उसको समझो फिर उस गाड़ी को चलाओ तो वो सही है। आप सही चला रहे हो तभी तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है ना, किसी और की गलती की वजह से, तब भी वो सही है, आपने कोई गलती तो नहीं करी। तो एक्सीडेंट होना गलत नहीं है, गाड़ी को सही से समझना और फिर चलाना वो सही है।
तो जो सही है उसका आपकी सोच से कोई कनेक्शन नहीं है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या हर चीज को तोड़ तोड़ करके नहीं सोचते हैं? तो अपनी सोच पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्या सोच सही है, क्या सोचना सही है। पूरी की पूरी साइंस बेस्ड है सोचने पर, आपकी पूरी लाइफ बेस्ड है सोचने पर, सोचते हो फिर एक्ट करते हो। क्या सोच सोच करके जब एक्ट करते हो तो लाइफ बहुत बढ़िया चलती है। जब इस तरह से हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो हमको आंसर्स मिलने लग जाते हैं, और वो आंसर्स बिल्कुल अलग होते हैं इस पूरी दुनिया से। सोचना मतलब क्या, किसी भी चीज को तोड़ना, उसको अलग कर देना, फिर ही तो आप उसके बारे में सोचोगे ना। एक रेनबो है आसमान में, उसमें एक लाल रंग है एक पीला रंग है, तो आप सोच रहे हो कि लाल सही है पीला सही है, इसी को तो सोचना बोलते हैं। इस सोच का एंड क्या है? सोचते रहो, आप कुछ और सोचोगे कोई और कुछ और सोचेगा, जैसे ही अलग अलग सोच के दो लोग मिलेंगे आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो बिना सोचे क्या आप सच को देख सकते हो? सच क्या है कि जो रेनबो है इसमें 7 रंग अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में एक ही है। एक्चुअल में इसमें कोई डिवीजन नहीं है इन 7 रंगों में, क्योंकि है वहां पर सिर्फ लाइट। यहां पर सोच खत्म हो जाती है। सोचना मतलब तोड़ तोड़ करके सोचना, साइंस ऐसे ही सोचती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? जोड़ करके सोचना। जैसे जैसे आप जोड़ते चले जाते हो, आप जुड़ते चले जाते हो, बिना तोड़े एज इट इज चीजों को देखते हो, तो वहां पर सोच खत्म हो जाती है, वहां पर सिर्फ प्यार रह जाता है। प्यार का मतलब क्या है? जुड़ गए। सोचने का मतलब क्या है? अलग हो गए। जो अलग हो गया वो दुखी है, जो जुड़ा हुआ है वो सुखी है। सोच क्या करती है? वो अलग अलग करती है हर एक को, लोगों को एक दूसरे से अलग करती है, इंसान को जानवर से अलग करती है। आपके सपने मेरे सपने, आपके एम्बिशंस मेरे एम्बिशंस, आपके गोल्स मेरे गोल्स, आपको कुछ और चाहिए मुझे कुछ और चाहिए, यहाँ पे तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा है, दोनों ही दुखी हैं। तो सही क्या है एज इट इज देख लेना। हाउ टू स्टॉप वरिंग अबाउट द फ्यूचर? हाउ कैन यू स्टॉप वरिंग अबाउट द फ्यूचर विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज फ्यूचर? डू वी अंडरस्टैंड व्हाट टाइम इज? क्या टाइम एक रियलिटी है या सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है? एक्चुअल में कभी फ्यूचर होता है? एक्चुअल में पास्ट होता है, प्रेजेंट ही होता है। तो फ्यूचर मतलब क्या? इसी मोमेंट में आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, जिसको आप फ्यूचर बोलते हो। अभी फ्यूचर किससे कनेक्टेड है? अगर तो ये सही समझ से कनेक्टेड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ये गलत समझ से कनेक्टेड है तो मर गए। गलत समझ और सही समझ का मतलब क्या? इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ योर बॉडीज, आप कहते हो कि मैं ये हूं और अब इसके फ्यूचर की बात करते हो, हाउ कैन यू स्टॉप वरिंग अबाउट दैट? मरने वाले हो आप लोग, ये सच नहीं है क्या? तो अब आपका क्वेश्चन है कि मैं कैसे, हाउ टू स्टॉप वरिंग अबाउट द फ्यूचर? हाउ कैन यू स्टॉप वरिंग अबाउट द फ्यूचर? यू कांट जी। आपको कोई भी बीमारी लग सकती है, आप जो हो, जो अपने आप को समझते हो सकता है आप वो नहीं हो, लेकिन जो आप खुद को समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो सब पता है, बचपन से मुझे सबने पाठ पढ़ाया है कि तू ये है, तू ये है, तेरा ये नाम है, तू यही है, बस खत्म। अब इसके बेस पर आप पूछ रहे हो कि मैं हूं तो ये, लेकिन मैं फ्यूचर के बारे में वरी कैसे ना करूं? जिन लोगों से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो कभी भी मर सकते हैं, और कभी ना कभी तो मरना ही है, तो आप वरी कैसे नहीं करोगे? क्राइम बहुत ज्यादा है चारों तरफ, वरी कैसे नहीं करोगे? बीमारियां ऐसी ऐसी है जिसकी कोई हद ही नहीं है, कोई भी बीमारी आपको ऐसी लग सकती है यहां से बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो वरी कैसे नहीं करोगे? यहां से बाहर जा रहे हो एक्सीडेंट हो सकता है, हो सकता है उसके बाद कभी दोबारा अपने पैरों पर खड़े भी ना हो पाओ, तो वरी कैसे नहीं करोगे? हो सकता है आपको सर्वाइव करने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना भी पैसा आपके पास में ना हो फ्यूचर में, जिस काम पे आप डिपेंड हो, जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी आपके प्लान्स हैं वो सारे टूट जाएं,
क्या करोगे? हाउ विल यू स्टॉप वरिंग अबाउट द फ्यूचर? जितनी भी वरीज हैं आपकी लाइफ में वो रिलेटेड है आपकी बॉडी से, जितने भी आपके रिलेशंस हैं, पोजीशंस हैं, वो सब रिलेटेड है आपकी बॉडी से. तो टिल द टाइम यू थिंक एंड यू फील एंड योर अंडरस्टैंडिंग सेज इट एब्सोल्यूटली क्लियरली दैट यू आर दिस बॉडी, तो यू कांट स्टॉप वरिंग. आपका माइंड पीसफुल नहीं हो सकता है, आप खुश नहीं रह सकते. इफ यू आर इंटेलिजेंट, इफ यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, एन इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग, यू कांट स्टॉप वरिंग अबाउट द फ्यूचर. बेवकूफ हो तो बात अलग है. जैसे कोई बंदा पी करके पड़ा हुआ है नाली के साइड में, उसको कोई वरी नहीं है कल की क्या होगा, कोई ना कोई खाना दे ही देगा कहीं से डाल के. बट इफ यू आर इंटेलिजेंट है ना, पढ़े लिखे हो, तो यू कांट स्टॉप वरिंग अबाउट द फ्यूचर. इस दुनिया की हालत देख नहीं रहे हो क्या हो रही है, बद से बदतर होती जा रही है. हाउ कैन यू स्टॉप वरिंग अबाउट इट? द ओनली वे टू बी फ्री फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. मैंने प्रेजेंट भी यहाँ पे यूज कर दिया क्योंकि प्रेजेंट का भी मतलब हम समझते नहीं है. वी थिंक प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कर रहे हो, जो है उसकी तरफ अवेयर हो रहे हो. ये बहुत ही बेसिक लेवल की बातें हैं. कौन रह रहा है प्रेजेंट मोमेंट में? जब उसको आप समझ जाओगे तो आपको समझ आएगा कि पास्ट में, फ्यूचर में रहना पॉसिबल ही नहीं है. आई डोंट हैव टू लिव इन दिस मोमेंट, आई एम दिस मोमेंट. दोनों में बहुत फर्क है. तो यू कांट बी हैप्पी इन टाइम. दिस बॉडी इज इन टाइम, इट इज सब्जेक्ट टू टाइम. ये पैदा हुई है, मरेगी. तो यू कांट बी हैप्पी और पीसफुल इन टाइम. यू कैन ओनली बी पीसफुल and happy if you understand it as a living experience, as a fact. That time cannot touch you. Time, which is past, present and future, this is in you. और सब कुछ time में है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अनलेस एंड अंटिल यू अंडरस्टैंड इट एज अ फैक्ट, नॉट थियोरेटिकली, नॉट इंटेलेक्चुअली, बट एक्चुअली एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल, जब तक कि आप इस चीज को एज इट इज नहीं देख लेते कि मैं टाइम में नहीं हूं. जो टाइम में है वो दुखी ही रहेगा, वो डर में ही जिएगा, वो फियरलेसनेस की बातें तो करेगा, डर में ही जिएगा, डर में ही मरेगा. जो टाइम में है वो फियरलेस कैसे हो सकता है? जिसमें टाइम है अब उसको कैसा डर है? सब कुछ टाइम में है. जो भी कुछ आप जानते हो, जिसके भी बारे में आप सोचते हो, चाहे वो कोई चीज है, चाहे कोई पर्सन है, सब कुछ टाइम में है. ये टाइम किसमें है? ये टाइम आपके थॉट में है, यानी कि आपके माइंड में है. ये थॉट किसमें है? ये मुझ में है. जब इस चीज को आप रियलाइज करते हो, देन यू आर फ्री फ्रॉम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. यू आर फ्री फ्रॉम लाइफ एंड डेथ. ओनली देन यू कैन बी एब्सोल्यूटली फियरलेस. हाउ टू डेवलप कंपैशन फॉर द पीपल हु हैव नेग्लेक्टेड, हेटेड यू, और फॉर द वंस हुम यू डोंट लाइक टू बी अराउंड? यू कांट डेवलप कंपैशन फॉर अदर्स जो आपके साथ में कुछ बुरा कर रहे हैं. यू कांट, क्योंकि कंपैशन का मतलब ही हमको नहीं पता है. कंपैशन का मतलब हम किसको समझते हैं कि सामने वाला हमारे साथ कुछ बुरा भी कर रहा है तब भी हमको उसके ऊपर दया आ रही है? कैसे आ जाएगी? कोई आपका फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, उसके ऊपर दया आएगी आपको? क्या आनी चाहिए दया? या वहां पर उससे लड़ना है, उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी है जाकर के? क्या करना है वहां पर? कंपैशन की बातें करनी है या उससे लड़ना है? लड़ना है. क्या उससे लड़ना कंपैशन है या चुपचाप बैठ करके जो भी वो कर रहा है उसको सहते रहना कंपैशन है? सोचो, कोई बंदा क्रिमिनल है, कुछ गलत काम कर रहा है, कंपैशन किसे कहेंगे? कि आप जा करके उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हो जिससे कि उसने जो आपके साथ किया वो और किसी के साथ में ना करे, क्योंकि अगर उसको नहीं रोका गया तो वो तो पता नहीं क्या करेगा. मान लो कोई गली में कुत्ता है, वो पागल हो गया है,
उसको रेबीज हो गई है, तो कंपैशन किसे कहोगे? कि उस कुत्ते को जिसको रेबीज है उसके पास जाओ, उसको प्यार करो, वो तो काटेगा आपको। कंपैशन का असली मतलब आप तब समझ सकते हो जब आप ये जो बोलते हो ना, मैं ये हूं तू वो है, इस मैं तू से आप फ्री हो जाओ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट कंपैशन इज। किसी एक पे आप तरस खा रहे हो क्या? अगर एक पे तरस खाया तो पूरी की पूरी सोसाइटी करप्ट नहीं हो जाएगी क्या? इंडिया का इतना बुरा हाल इसी वजह से नहीं है? कंपैशन किसे कहेंगे कि एक बंदे ने रेड लाइट जंप करी, पुलिस वाले को दया आ गई, उसने रोका, अरे सर मेरे से गलती हो गई, हे हो, मान लिया उसे एक्चुअल में गलती हो गई, क्या उसका चालान वहां पे कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए? वो रो रहा है मेरे पास में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो ये अपनी गाड़ी यहीं पे छोड़ जा। अब देखने में लगेगा वो पुलिस वाला जो है वो बड़ा ही रूड है, वो बिल्कुल भी कंपैशनेट नहीं है, जबकि एक्चुअल में वो कंपैशनेट है, क्योंकि अगर एक को नहीं रोका गया तो सब करप्ट हो जाएंगे। यही तो हालत हो रही है हमारी सड़कों पे, और वो क्या रहा है? तो कंपैशन मींस वो करना जो सबके लिए सही है। सो क्या है, हाउ टू मैनेज बैलेंस एंटरटेनमेंट इन लाइफ, हाउ मच वॉचिंग टीवी क्रिकेट इज ओके इफ वन नीड्स टू बी सक्सेसफुल। हाँ, हर चीज लिमिट में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो एंटरटेनमेंट है चाहे वो प्लेजर्स हैं, सब कुछ है। एज फार एज आप एंटरटेनमेंट में जा रहे हो या किसी प्लेजर में जा रहे हो इसलिए कि आप उससे बाहर आना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप खा रहे हो इसलिए कि भूख मिट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप खा रहे हो अपने मन की भूख को मिटाने के लिए, दिक्कत ही दिक्कत है जी। एंटरटेनमेंट आप ले रहे हो क्योंकि फिजिकली आप टायर्ड हो, तो कोई एंटरटेनिंग आपने मूवी देखी या कोई शो देखा तो क्या हुआ, हंसे, हंसते ही फिजिकली भी जो टेंशन थी जो स्ट्रेस था वो रिलीज हो गया, इसलिए आधे घंटे के लिए देख रहे हो, ठीक है। बट इस स्टेट से आप अटैच हो गए हो, ये जो हल्का फील होता है, तो कुछ दिन बाद हल्का भी फील होना बंद हो जाएगा, वो एंटरटेनमेंट ही भारी हो जाएगा आपके लिए। एट वॉट लेवल वन शुड फील दैट ही इज रिच इनफ सो ही कैन डू अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक स्पिरिचुअलिटी, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड इन लाइफ। यही हम गलती करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि जब मेरे पास में पैसा आ जाएगा जितना मुझे चाहिए उससे ज़्यादा, तब मैं स्पिरिचुअल पाथ पे चलूँगा। जबकि एक्चुअल में अगर आप इंडियन कल्चर को, ट्रेडिशन को ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आएगा कि ये चार पिलर्स होते हैं एक सोसाइटी के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कुछ लोग इसको बोलते हैं अर्थ, काम और धर्म, मोक्ष, वो बेवकूफ़ है। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज धर्म, जिसको आप स्पिरिचुअलिटी भी बोल सकते हो। धर्म मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ योर बॉडी वर्क्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ द माइंड वर्क्स, अंडरस्टैंडिंग कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, क्योंकि अगर ये हमको समझ नहीं है और हम अर्थ में चले गए, अर्थ का मतलब होता है पैसा, मनी, चीजें, और हमने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, फिर वहां से हम काम पे चले गए, काम का मतलब होता है हमने डिजायर्स पूरे करने शुरू कर दिए, तो वो बंदा इतना करप्ट हो जाएगा अपने लिए भी और औरों के लिए भी जिसकी कोई हद ही नहीं है। यही हो रहा है हमारी इस दुनिया में। और एक ऐसा लेवल आ जाएगा, एक ऐसा दिन आ जाएगा जब उसका दिमाग ही बंद हो जाएगा, उसकी बॉडी इस लायक ही नहीं होगी, उसका माइंड इस लायक ही नहीं होगा कि वो समझ सके धर्म का मतलब। धर्म का मतलब वो क्या समझेगा? रिलीजन, कि यहां जाओ वहां जाओ, ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो, मतलब भिकमंगों की तरह भटकते रहो, उसको लोग धर्म समझते हैं, दैट इज नॉट धर्म। जैसे भिखारी लाइन में नहीं खड़े होते मंदिर के बाहर, अंदर भी लाइन में खड़े होते हैं, ध्यान से देखो नजर आएगा, वो भी कुछ मांग रहे हैं, अंदर भी वो कुछ मांग रहे हैं, फर्क क्या है? इसको हम धर्म समझते हैं, ये धर्म नहीं है जी। धर्म मतलब ये समझना कि मुझे इस दुनिया में वैसे ही औरों के साथ में बिहेव करना है जैसा मैं चाहता हूं कि वो लोग मेरे साथ में बिहेव करें। इतनी समझ अगर हमारे अंदर नहीं है, जो बहुत लोगों में नहीं है, क्योंकि धर्म की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। होती भी तो स्कूल में कुछ बुक्स होती है नाम के लिए, मॉरल साइंस, जिसको रट लो उसके भी नंबर मिलेंगे, मतलब अच्छा इंसान बनने के भी नंबर मिलते हैं, बहुत बढ़िया जी।
In life, in order to get successful, how to stay consistent in growing and how to stay away from distractions and become the greater version of yourself. यही तो इस पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है. दे आर ऑल ट्राइंग टू बिकम द ग्रेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. हर कोई अपने आप को बड़ा करने में लगा हुआ है, हर कोई अपने आप को बेटर करने में लगा हुआ है. मैं यहां हूं अब मुझे यहां जाना है, मैं इतना हूं अब मुझे इतना हो जाना है. इस तरह से जो भी जी रहा है वो सब दुखी है, क्योंकि जितने भी आप बेटर होगे, जितने भी आप बड़े होगे, कितने बड़े हो जाओगे, कितने बड़े हो जाओगे, इस पूरे ये जो प्लैनेट है अर्थ जिसको हम बोलते हैं, ये पूरा आपके कंट्रोल में होगा. एक उंगली इधर से उधर हिलाओगे, पूरा आपके कंट्रोल. इससे बड़े तो क्या होगे, वो भी क्या है अगर इस पूरे यूनिवर्स के आगे देखा जाए. कितने टाइम के लिए, 10-20 साल 30 साल, वो क्या है इन्फिनिटी के आगे. इन्फिनिटी कांट बी मेड बिगर. इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा, इन्फिनिटी प्लस समथिंग. इन्फिनिटी में से कुछ भी निकाल दोगे तो क्या रह जाएगा, इन्फिनिटी. तो दिस इज द परमानेंट आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव आस्क्ड. जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उस सबको अगर एक लाइन में सम अप किया जाए तो ये है कि एक तरीका है लाइफ को जीने का कि लाइफ में जो अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको एक एक करके सॉल्व किया जाए. आपके माइंड के लेवल पे जो अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको एक एक करके सॉल्व किया जाए. अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करने का मतलब हम समझ रहे हैं कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा, अनलिमिटेड टाइम. ठीक है. दूसरा क्या है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जिस भी हद तक आप सोच सकते हो, वो सारी प्रॉब्लम्स उसकी जो जड़ है उस जड़ को ही खत्म कर दिया जाए. वो जड़ क्या है कि अगर तो आप ये हो जो अपने आप को बोलते हो तो बचने का कोई तरीका नहीं है, जो मर्जी कर लो, जहां मर्जी चले जाओ. और अगर आप ये नहीं हो तो खुद को परेशान करने का कोई तरीका नहीं.